आज हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एप्लीकेशंस, कुछ उसके एमसीक्यूज के बारे में हम स्टडी करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास, अगर इसमें मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को देखूं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है, 2 VI sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर मैं इसकी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लिखूं, मैक्सिमम जो इसकी हाइट है, इंस्टेंटेनियस हाइट, उसके लिए हमारे पास क्या उसका फार्मूला है, VI sin² θ डिवाइडेड बाई 2g। अगर मैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को लिखूं, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है हमारे पास VI² sin² θ डिवाइडेड बाई जी। अब एक चीज़ इसमें है कि अगर मैं टाइम के बारे में देखूं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 2 VI sin 90 डिवाइडेड बाई जी। जो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज इक्वल टू 2 VI/g फॉर द एंगल ऑफ 90। अगर हम प्रोजेक्टाइल को 90 के एंगल पे थ्रो करेंगे, तो वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम टाइम के लिए वो हवा में रहेगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट वो सबसे ज़्यादा होगा। एज द एंगल इंक्रीजेस, मैं MCQ लिख देता हूँ, फॉर विच टाइम, फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज लार्जर। ए ऑप्शन लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 15। बी ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू 30। चार्ली ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू 45। डेल्टा ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू 60। MCQ के ऊपर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी लार्जर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, साइन थीटा, और हमें पता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक थीटा के इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। अगर थीटा के इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो हमारे पास जो मैक्सिमम एंगल कौन सा है, जो हाईएस्ट एंगल है वो 60 है। इस एंगल के ऊपर जो साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी इन चारों में से, तो उसके लिए हमारे पास उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, वो लार्ज होगा। अगर मैं हाइट के लिए लिखूं, तो मैक्सिमम हाइट होगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू, थीटा हमारे पास है 30, 45, 60, 90। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 90, क्योंकि साइन 90 हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट देगा। जब साइन 90 मैक्सिमम रिजल्ट देगा, तो उसके लिए हाइट मैक्सिमम होगी। अगर हम चाहते हैं कि जो क्रिकेट का बॉल है वो मैक्सिमम हाइट पे जाए, तो उसको कहाँ पे थ्रो करेंगे, हम हॉरिजेंटल के साथ उसको यूँ 90 के एंगल पे ऐसे थ्रो करेंगे, और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट इज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट है हमारे पास VI² / 2g। अगर कोई बीटा ऑप्शन लिख देते हम, VA² / g। चार्ली ऑप्शन है 2 VI/g और डेल्टा ऑप्शन है VI/g। अगर यहाँ पे हम थीटा 90 पुट करें, साइन 91 आ जाएगा, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, VA² / 2g। एंगल के लिहाज से मैक्सिमम वैल्यू ये है। उसके बाद आपके बाजू में जितनी ताकत है, आप जितनी उसको इनिशियल वेलोसिटी आप बढ़ाते जाएंगे, उतनी उसकी हाइट इंक्रीज़ करती जाएगी। देखें, अगर मैं वेलोसिटी को 2 times इंक्रीज़ करता हूँ, हाइट का ये फार्मूला है, अगर मैं वेलोसिटी को 2 times इंक्रीज़ करता हूँ, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होगी, वो जो क्रिकेट बॉल की हाइट होगी, वो 4 times इंक्रीज़ करेगी। अगर मैं रेंज की बातें करूँ,
जो मैक्सिमम रेंज है ये हम पहले भी उसमें थ्योरी में पढ़ चुके हैं, फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 द रेंज इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज कितनी है 45 मल्टीप्लाइड बाई टू 90, ये साइन 91 हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, इतनी होती है और 45 के एंगल पे होती है। अगर मैं हाइट और रेंज की आपस में रेशियो ले लूं, रेशियो ऑफ रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4, आप इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 थीटा। अब ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, फार्मूलाज की शक्ल में आपको चारों ऑप्शन दे दें कि रेंज और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की रेशियो क्या है। आप इसको कैसे मालूम करेंगे, रेंज डिवाइडेड बाई हाइट, रेंज का फार्मूला है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, रेंज का फार्मूला है साइन 2 थीटा ओवर जी, और हाइट का फार्मूला है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। वी आई के साथ वी आई कैंसिल, जी के साथ जी कैंसिल, ये वाला 2 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्केयर, तो एक साइन इस साइन के साथ कैंसिल, रेंज ओवर हाइट इज इक्वल टू 4, ये कॉज इसके नीचे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एंगल पुट कर दें, आप थीटा 30 पुट करें, 45 पुट करें, आप उसको 60 पुट करें, आप कोई भी एंगल पुट करें, तो आप हर एंगल के लिए आप मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज और हाइट है उसकी रेशियो हमारे पास किसके इक्वल आएगी। अगर सपोज़ मैं कर देता हूँ कि हमारे पास थीटा 45 है, एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45, यहाँ पे पुट करेंगे साइन ऑफ 45 किसके इक्वल आ जाएगा 1, टेन ऑफ 45 क्या आ जाएगा 1। अगर टेन ऑफ 45 1 होगा देन रेंज ओवर हाइट इज इक्वल टू 4, 45 के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है और हमेशा हाइट की निस्बत 4 टाइम्स लार्जर होती है। रेशियो ऑफ रेंज ओवर हाइट इज इक्वल टू 4, तो 45 के एंगल पे जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगी वो मैक्सिमम होती है और वो हाइट की निस्बत 4 गुना ज़्यादा होती है। अगर मैं एमसीक्यू लिख देता हूँ उसमें मैं इनिशियल वेलोसिटी का किसी चीज़ का जिक्र नहीं करता, मैं कहता हूँ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 विद अ हॉरिजेंटल एंड इट्स रेंज इज 60 किलोमीटर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मैंने सिर्फ एंगल बताया 45 पे उसको थ्रो किया है, अगर 45 पे थ्रो करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद स्टूडेंट के जहन में आएगा कि 45 पे जो रेंज होती है वो हाइट की निस्बत 4 गुना ज़्यादा है। अगर उसकी रेंज 60 किलोमीटर है, जो उसकी हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट वो 15 किलोमीटर होगी, उससे 4 गुना हाइट कम होगी, रेंज 4 गुना ज़्यादा होगी। तो हम किसी भी एंगल के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, या ये भी देख सकते हैं कि हाइट और रेंज जो है आपस में 1:1 है। हमारे पास बुक में एक न्यूमेरिकल है और आई थिंक न्यूमेरिकल हमारे पास 3.13 न्यूमेरिकल है, 3.13 न्यूमेरिकल में है क्वेश्चन है कि रेंज इज इक्वल टू हाइट, आप एंगल मालूम करें। आप इसी में रेंज और हाइट को आपस में इक्वल पुट करें, उसको कैंसिल कर दें। अगर रेंज और हाइट आपस में इक्वल हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स के 10 थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू 4 इनवर्स। अब ये भी ऑप्शन दे सकते हैं, और 10 इनवर्स 4 को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें इसका रिजल्ट 76 आता है। अगर हम प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करेंगे फिर जितनी उसकी ये रेंज होगी एग्जैक्टली उतनी उसकी क्या होगी हाइट होगी। यानी इस फार्मूले से आपको एंगल दे देते हैं तो रेंज और हाइट की रेशो मालूम करवा सकते हैं, या अगर आपको रेंज और हाइट की रेशो दे दें
जो कि यहाँ पे इक्वल का मतलब है 1:1 है, अगर इनकी रेशियो दे दें तो फिर आपसे एंगल भी मालूम करवा सकते हैं। तो यूं करके इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसका अगर हम ग्राफ प्लाट करें, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं 15 के एंगल पे, 30 के एंगल पे, 45 के एंगल पे। 45 के एंगल पे इसकी रेंज क्या है हमारे पास मैक्सिमम। अगर मैं इसका एंगल बढ़ाता हूँ, मैं इसको 60 के एंगल पे लॉन्च करता हूँ, मैं उसको 75 के एंगल पे लॉन्च करता हूँ, मैं उसको 90 के एंगल पे लॉन्च करता हूँ, वो बॉडी सीधा ऊपर जाएगा और सीधा क्या आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये एंगल कितना है हमारे पास 15, ये एंगल 30, ये 45, ये 60, ये 75 और ये 95। हाइट हमारे पास क्या है, साइन पे डिपेंड करती है, साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो थीटा के इंक्रीज़ करने से मुसलसल इंक्रीज़ करता जाता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 to 90 एंगल। अब देखें मुसलसल हम एंगल इंक्रीज़ करें, 15 के लिए हाइट इतनी, 30 के लिए हाइट बढ़ गई, 45 के लिए इंक्रीज़ कर गई, 60 के लिए इंक्रीज़ कर गई, 75 के लिए इंक्रीज़ कर गई और 90 के लिए उसकी हाइट मैक्सिमम। मीन्स थीटा इंक्रीज़ करने से मुसलसल हाइट इंक्रीज़ कर रही। अब रेंज की कहानी क्या है, जो रेंज है वो यहाँ पे देखें, 15 के लिए रेंज इतनी है, 30 के एंगल के लिए रेंज इतनी है, 45 के लिए उसकी रेंज मैक्सिमम। उसके बाद एंगल इंक्रीज़ करता है वो रेंज कम होती जाती है, 60 के लिए रेंज इतनी होगी, 75 के लिए रेंज इतनी होगी और 90 और 0 डिग्री के लिए रेंज क्या है, वो दोनों केसेस में हमारे पास ज़ीरो है। और ये किसकी वजह से, सिर्फ साइन के इस डबल एंगल की वजह से। ये जो डबल एंगल है ये 45 पे अपना मैक्सिमम रिजल्ट दे देते हैं। उसके बाद अगर हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं तो पहले जैसे एंगल के बढ़ाने से 0 से 45 तक साइन के डबल एंगल की कीमत इंक्रीज़ कर रही थी, 45 के बाद एंगल बढ़ाने से उसी तरतीब के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है, उसकी वजह से रेंज कम होती जाती। तो वो तमाम एंगल्स देखें, 0 और 90, ये एक पेयर बन गया। दूसरा मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो यहाँ पे हमने शो किया है 15 और 75 और हमने शो किया है 30 और 60, वो तमाम एंगल्स जो 45 से इक्वली इंक्रीज़ करते हैं और 45 से इक्वली वो फॉल शॉर्ट करते हैं, उन तमाम एंगल्स के लिए रेंजेस हमेशा इक्वल होंगी। यानी अगर मैं ये लिख दूं कि 44 और 46 इन दोनों एंगल्स के लिए रेंज हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि जो 44 है वो 45 से एक लेस है और जो 46 है वो 45 से एक ज़्यादा है। वो तमाम एंगल्स जो 45 से डिक्रीज़ करते हैं या इक्वली इंक्रीज़ करते हैं, उन तमाम एंगल्स के लिए रेंज हमेशा आपस में इक्वल होगी। यानी अगर मैं उसमें इसके एमसीक्यूज़ लिखूं तो 45 एमसीक्यूज़ आराम से बन सकते हैं, 0, 90, 1 डिग्री 89 डिग्री, 2 डिग्री 88 डिग्री, 5 डिग्री 85 डिग्री, 10 डिग्री 80 डिग्री, 20 डिग्री 70 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री। यानी वो एंगल्स जिनको आप जमा करें और उनका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास कितना आ जाए, वो रिज़ल्ट आपके पास 90 हो, तो उन तमाम एंगल्स के लिए रेंज हमेशा आपस में इक्वल होगी। अब ये भी सारे एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछते हैं, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें इसकी एप्लीकेशन में हम स्टडी करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को स्टडी करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है हमारे पास, अनपावर्ड होता है, अनपावर्ड मिसाइल है, अनगाइडेड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल इसमें यूज़ नहीं होता।
fall under the force of gravity के जरिए असर गिरता है, उसको एक दफ़ा लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद पीछे कोई फोर्स उसको कंट्रोल नहीं कर रही होती, जैसे हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल है ये उसी प्रोजेक्टाइल की एप्लीकेशन है। और ये जो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, लेस प्रेसिजन के लिए यूज़ करते हैं। इसका लाजमी नहीं है कि ये अपने टारगेट पे एग्जैक्टली जाके वो स्ट्राइक करे, अगर दरमियान में रास्ते में कहीं हवा आ जाती है, रास्ते में कोई रेनी सीज़न है, कोई बारिश आ रही है, कोई तेज़ हवा चल रही है, उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वो अपने टारगेट पे एग्जैक्टली स्ट्राइक ना करे, ये पॉसिबल है। और इसलिए हम इसको शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ नहीं करते। जितना ज़्यादा दूर फेंकेंगे उतना उसके टारगेट से डेविएट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए छोटे फासले पे यूज़ करते हैं। और लेस प्रिसीजन के लिए हमें पता होता है कि इसका रिज़ल्ट इतना बेहतर नहीं होगा। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या होता है, अगर मैं इसके पाथ को लिखूं, उसको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कह देते हैं। पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो कैसे लॉन्च करते हैं, यूं करके हमने मिसाइल को लॉन्च किया, अब वो मिसाइल चाहता है कि सीधा वो आगे निकल जाए अगर उसको यूं लॉन्च किया है, लेकिन ग्रेविटी उसको क्या करेगी, यूं करके नीचे खींचेगी, वैसे नीचे गिरेगा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कह देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शियल पुश। तो एग्जैक्टली वही चीज़ बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है, जो बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन है, दैट इज़ अ सुपर पोजिशन ऑफ टू पैरामीटर्स, टू मेन फैक्टर्स, द इनर्शियल पुश के बॉडी चाहते हैं वो उधर इनर्शिया की, अपने इनर्शिया जो है वो बॉडी को मेनटेन करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी अपनी उसी मोशन में, उसी डायरेक्शन में रहे, लेकिन ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड खींचेगी, दोनों के ज़ेर असर वो बॉडी यूँ मूव करेगी। अगर बॉडी को, किसी मिसाइल को हम यहाँ से लॉन्च कर दें, ये उसका इनर्शिया है, वो यूं जाना चाहता है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो यूं करके गिरेगा। जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल होता है, अगर हम कहें कि प्रोजेक्टाइल को हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं कि अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली यू फ्लैट है, देन उसका जो पाथ होता है वो पैराबोला होगा। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला फॉर शॉर्ट रेंज एंड फॉर फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट कर लें, फिर उसका पाथ पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोला की शेप में वो यूं मूव करेगा। एक्चुअली जो उसका पाथ है, अगर हम कहें कि अर्थ हमारे पास यूं स्फेरिकल है, देन उसका पाथ इलिप्टिकल होता है, इलिप्स की शक्ल में होता है, फिर उसका पाथ हमारे पास वो पैराबोलिक पाथ नहीं होता। अगर हम उसमें देखें फॉर हाई प्रिसीजन, फॉर हाई प्रिसीजन एंड लार्ज रेंज, वी यूज द रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स। जो रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स होते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करते, क्योंकि हम उसको फ्री अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उनको गिरने ही नहीं देते, हम मुसलसल पीछे से बैठ के उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि इस तरीके से मूव करना है, इस तरीके से मूव करना है। इवन के रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल ऐसे भी होते हैं कि उसको लॉन्च किया जाता है, वो यहाँ जाता है, वो यहाँ अपने टारगेट के करीब जाके रुकता है ऊपर, फिर देखता है कि उसका टारगेट इधर है वो उधर स्ट्राइक करता है, उसका टारगेट इधर है वो इधर स्ट्राइक करता है। यानी जो रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल है वो हाई प्रिसीजन से काम करता है, एग्जैक्टली अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है। हम उसको लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल नहीं है, वो फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो मूव नहीं कर रहा,
हम मुसलसल उसको पीछे से कंट्रोल करें, यानी अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ है तो यहाँ पे आएगा, वो रुकेगा, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। कोई यहाँ पे उसने अगर किसी टैंक को तबाह करना है, वो इधर जाके इसको स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे तबाह करना है, वो यूँ, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, ऊपर आके वो अपने जो डिटेक्शन है, जो पोजीशन है, उसको डिटेक्ट करके अपनी लोकेशन पे जाके स्ट्राइक करते हैं। तो ये हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है, दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हमने कुछ एमसीक्यूज़ को स्टडी किया है प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को, हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमने एमसीक्यूज़ कुछ सॉल्व किए, और उसके बाद हमने उसकी ये एप्लीकेशन पढ़ी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई एमसीक्यूज़, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस, जो चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली उन कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।